हाय दोस्तों, मोमेंटेक में आपका फिर से स्वागत है। तो जहाँ से मैंने पहले माइक्रोस्कोप लिया था, उन्होंने एक पार्सल और भेजा है, तो देखते हैं इसमें क्या है। और ये काफ़ी अच्छी रेट में मुझे मिल गया मार्केट के। आप एक बार मार्केट से रेट भी पता कर लीजिए एक दो जगह, फिर इनसे भी पता कर लीजिएगा ये रेट क्या दे रहे हैं। ये नया मॉडल आपका D75T मॉडल है, इसमें बेस भी बड़ा है। और ये देखिए, ये बेस नया मॉडल है, बेस पुराने वाले से ये लगभग लगभग दुगना है। काफ़ी जगह इसमें आ जाएंगी और काम करने में बहुत ही सहूलियत होगी। और अभी नया मॉडल का लाइट भी आ गया है, और इसमें स्मोक गार्ड इनबिल्ट है, तो आपको स्मोक गार्ड लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी बीच में कांच दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको स्मोक गार्ड लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसी से काम हो जाएगा। दोस्तों, हम असेंबल करते हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले आपको क्या करना है, इसको टाइट कर लीजिए, अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए। फर्स्ट ये सब देख लीजिए, सब टाइट है कि नहीं है। अगर टाइट नहीं है तो इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए। इसके बाद हमारा जाएगा बेस, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, हम लोग इसको लगा देंगे। यूज कर लेंगे हम लोग ये, इसको आप जहाँ चाहे तहाँ एडजस्ट कर सकते, पीछे का हमारा ऊपर नीचे होने वाला है। अब इसको हल्का सा यहाँ से ढीला कर लेंगे, और आप इसको रख दीजिए यहाँ पे। आप इसको हल्का सा टाइट कर लीजिए, इसको आप खोल लीजिए। उसके बाद इसको ड्राइवर से इसको हल्का सा थोड़ा ये करना पड़ेगा, अब देख लीजिएगा कि टाइट यहाँ पे कुछ है तो नहीं, ठीक है। हम लोग इसमें लेंस डालेंगे, देखिए हमारा लेंस वाले लेंस डालने, ठीक है। और फिर से हम लोग और एक लेंस डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको पूरा अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग इसको कवर लगा लेते हैं, ठीक है। लेंस का ढक्कन आप खोल लीजिए, और
ऐड कर देना 0.5 लेंस लगा लेते हैं। निकालेंगे और इसे हमारा पिक्सल है। अब स्मोक गार्ड लगा लेंगे। हमारा स्मोक गार्ड आ गया, लाइट लगाना बाकी है बस। लेते लाइट हम लोग इसको स्मोक गार्ड लगा नहीं सकते हैं, अगर इसमें स्मोक गार्ड लगाने पे ये नहीं लग रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको निकाल देना पड़ेगा। तो ये जो लेटेस्ट वाला एलईडी है इसमें सबसे अच्छा क्या है कि आपको स्मोक गार्ड अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीच में इसका कांच दिया हुआ है स्मोक गार्ड की ही तरह। ये आपके लेंस को 0.5 लेंस को प्रोटेक्ट करेगा और आपको अलग से कोई ज़रूरत नहीं है स्मोक गार्ड लगाने की और लगेगा भी नहीं। तो ये इनबिल्ट है इस लाइट में आपको स्मोक गार्ड, तो अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऑन करके देख लेंगे। असेंबलिंग कंप्लीट हो चुका है और इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे और लाइट को दे देंगे कहीं से। तो ये हमारा डिम है, डिम हो जाता है इससे और इससे हम लोग का लाइट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बोर्ड रख लेते हैं। देख लेते हैं इसमें कई हवा लगाएंगे। देखिए क्वालिटी बहुत काफ़ी अच्छी है, बस मैं जूम करता हूँ। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और देख सकते हैं आप। देख सकते हैं ये काफ़ी छोटी सी जगह पर फोकस किया हुआ है, ये जगह है वो, और इसमें आप देख सकते हैं कितना ही बड़ा है। धन्यवाद। आपकी कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और जहाँ से मैंने टूल खरीदा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी रेट में आप कोई भी टूल खरीद सकते हैं और मार्केट से काफ़ी अच्छी रेट में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।